हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात श्री ज्वालामुखी मंदिर में कोई भी श्रद्धालु पूजा अर्चना हवन अपनी मनमर्जी के अनुसार कर सकता है। उस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। किस प्रकार की पूजा अर्चना होगी, कौन पूजा अर्चना करवाएगा, ये बात ज्वालामुखी में पुजारी सभा की महत्वपूर्ण बैठक के बाद पुजारी सभा के प्रधान पुजारी अविनेन्द्र शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि कुछ एक पुजारी के द्वारा बार बार मंदिर न्यास और जिला प्रशासन के खिलाफ पुजारी सभा की एप्स में बयानबाजी की जा रही है, जिसका पुजारी सभा से कोई लेना देना नहीं है। जो भी व्यक्ति इस तरह की घटिया आधारहीन बयानबाजी कर रहा है, उसका पुजारी सभा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर में कोई भी श्रद्धालु किसी भी पुजारी से या अन्य व्यक्ति से या खुद हवन कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। कुछ शास्त्री भी रोजी रोटी के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं के हवन कराते हैं, उस पर भी किसी प्रकार की पुजारी सभा की रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में उक्त व्यक्ति पुजारी सभा की एव्स में किसी तरह की बयानबाजी करता है, पुजारी सभा का उसे कोई नाता नहीं है। इसी के तहत वे अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव की कॉपी जिलाधीश कांगड़ा मंदिर न्यास के अध्यक्ष और मंदिर अधिकारी को प्रेषित कर रहे हैं। ज्वालामुखी विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर है, इसमें किसी को यहाँ पे हवन करने की, पूजा करने की क्या किसी से अनुमति लेने की जरूरत है? आज तक ऐसी परिस्थितियाँ पहले भी नहीं हुई और ना ही अब तक हमें देखने को मिली है। इसमें यही जो है व्यक्ति वो अपवाद पैदा कर रहा है। इससे पहले भी हजारों व्यक्ति आते हैं, अपना हवन करते जाते हैं और यहाँ के हमारे और भी भाई जो हमारे ब्राह्मण समाज के हैं वो अपनी आजीविका हेतु यहाँ हवन यज्ञ करते हैं। इससे हमारे पुजारी समाज को, इससे हमारी रोजी रोटी में कोई फर्क नहीं है, बल्कि हम कई बार अपना व्यस्त शेड्यूल की वजह से उनसे सहयोग ले लेते हैं। ये हमारे और उन यजमानों पर डिपेंड करता है कि वो किससे हवन कराना चाहते हैं। ये किसी पर थोपा नहीं जा सकता कि मैं आपको हमारे से कराना पड़ेगा। तो ये जो है ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पुजारी सभा इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। अच्छा पुजारी जी, ये बताइए कि जैसे ये कुछ पुजारी बोल रहे हैं कि अवांछनीय लोग मंदिर में आ रहे हैं, क्या है इसमें क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अगर इनको कुछ इनमें अवांछनीय लगता तो उसका प्रमाण देना, अवांछनीय कौन है उसका मैं आपको इसकी जो सत्यता है वो प्रमाणित करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में कुछ विडोज हैं, उनके आगे कोई लड़का नहीं है। तो हमारे हिंदू समाज में या हमारे पुजारी वर्ग में एक परंपरा है कि जो लड़का है वो ही आगे की पूजा पद्धति को संभालता है, लड़कियां जो है उसमें उनको हिस्सा नहीं मिलता है। तो कुछ औरतें ऐसी हैं उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पाया है, तो उन्होंने अपने सहयोग के लिए अपने सगे संबंधियों का सहारा लिया हुआ है। तो एक आधा उसमें अपवाद है, जो व्यक्ति अपनी बुआ के पास रह रहा है उसकी वजह से उनको हो सकता आपत्ति हो, लेकिन समाज में इससे हमारा भाईचारा खराब हो रहा है। हमारे एक दो परिवार हैं जिनके कुछ जजमान आते हैं तो वो हमारे से सहयोग लेते हैं, हम उनको बराबर सहयोग देते हैं। एक व्यक्ति है उसकी पर इनका ज्यादा कटाक्ष है। अच्छा पुजारी जी, ये बताइए कि कल आपकी एक पुजारी महासभा की मीटिंग थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया? हमने पुजारी सभा ने बैठकर निर्णय लिया और उसका हम अपना जो मांग पत्र, अपना जो प्रस्तुति पत्र है वो हम आज एसडीएम साहब के पास देंगे और डीसी महोदय जी के पास भी इसकी कॉपी प्रेषित की जाएगी कि ये जो जितना भी जो घटनाक्रम हुआ है इसकी पुजारी सभा घोर निंदा करती है और ऐसा पुजारी समाज में ये जो बांटने की जो ये व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है ये किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें हमारे समाज में जैसे फूट डालने की कोशिश की जा रही है और हम इसकी कड़ी भर्सना करते हैं कि इनका उन मंदिर के कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत कोई भी रोष हो सकता है, ये आप बाद में निपटाएं। इसके लिए पुजारी समाज को दोषी ना ठहराया जाए और ये जो मंदिर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं पुजारी समाज जो है वो बराबर मंदिर के प्रशासन के साथ सहयोग करता था, करता है और करता रहेगा।